एंटीलिया का घर मुकेश अंबानी जी का नहीं है, इस टाइप की एक ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। रिसेंटली जाकिर अब्दुल करीम नायक, जो एक इंडियन इस्लामिक पब्लिक ऑरेटर है, ये रिसेंटली नादिर अली के पॉडकास्ट में आए थे और उस पॉडकास्ट में उन्होंने ये बताया कि दुनिया का जो सबसे महंगा घर है उसकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। उन्होंने बताया दुनिया का सबसे महंगा घर मुकेश अंबानी का एंटीलिया वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि हमने उस पर केस किया था जिसके चलते मुकेश अंबानी अपने घर में नहीं घुस पाए थे, लेकिन बाद में उस केस का कुछ हुआ नहीं और कानून के चलते आज की डेट में उनकी वो प्रॉपर्टी है। उन्होंने ये भी रिवील किया कि किसी मुसलमान ने ही गड़बड़ी की होगी तभी लैंड उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। इस टाइप का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है रिसेंटली जो उन्होंने नादिर अली के साथ पॉडकास्ट शूट किया है। जिनको नहीं पता, एंटीलिया इंडिया का ही नहीं दुनिया का सबसे महंगा घर है। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 15,000 करोड़ रुपए। एक 27 मंजिला बिल्डिंग है जिसमें इंडियन बिलियनर मुकेश अंबानी उनकी फैमिली के साथ रहते हैं। इस घर से जुड़ी तमाम खबरें आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी कि यह घर कितना लग्जरियस है, कितने रुपए में मुकेश अंबानी ने इसको परचेज किया था, कब इसको बनवाया था। लेकिन आज की डेट में इस टाइप का स्टेटमेंट देना जाकिर नायक के द्वारा, लोगों का यही कहना है इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद कि बिना किसी प्रमाण के वो इतनी बेफिजूल की बात कर रहे हैं, उनके पास कोई प्रमाण नहीं इस टाइप की बातें कहने के लिए। वहीं लोग बाग ये भी कह रहे हैं कुछ भी कह सकते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो चाहें तो बकिंगम पैलेस को भी अपना घर बता सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बता सकते हैं। इस टाइप से इनको लोग बाग ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी जी के एंटीलिया पर आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया कि ये प्रॉपर्टी किसी और की है। पहली बार ऐसा कोई बंदा सामने आया जिसने इस टाइप का स्टेटमेंट दिया हो। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, आप क्या कहना चाहोगे इस स्टेटमेंट के ऊपर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और इस टाइप की सेलिब्रिटी न्यूज़ सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज़।